अरे तो बहुत पहले से बनवाया जा रहा था, तब भवन बन के बीच बीच में आते रहे हैं देखने के लिए, वह बन के तैयार हो गया। यहाँ 200 से भी ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो पहले ही से था। इसको खूब अच्छा बिल्डिंग बनवा करके कराया गया है तो काफ़ी अच्छा होगा, तो उसी के लिए हम आया, बन के तैयार, अब यही प्रोसेस होगा। लगता है बिहार का पहला विद्यालय इस तरह का है, पहला विद्यालय इस तरह का। अच्छा रहे, अब बाद में तो लड़का लड़की को हम एक साथ तब पढ़ाते हैं, ये पहले का ना सिस्टम था, तो उसको और अच्छा बनवा दिया। सर अमित शाह उस सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब कोई ज्ञान है बिहार का, कितना ज़्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है, कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? दिनों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर ये हमको नहीं पता, हम तो यही देखेंगे बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के हम पक्ष में, देखिए जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा, विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए, स्थानीय ये सब उनको अधिकार है उनको कुछ भी करने का, हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब तक किए हुए इधर उधर कर रहा है, आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में तो आपको कहेगा नहीं मत लिख, कोई ये सब क्या कीजिएगा, आजकल यही स्थिति हो गई है। हम लोगों के साथ जो लोग हैं उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है, एक निवेदन। हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब आजाद पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। सर एक स्थानीय पत्रकारों का निवेदन है, वो जो बांग्ला बनवाए हैं ना निरीक्षण भवन, उसमें एक रूम हम लोग के लिए अलॉट कर दीजिए प्रेस वालों के लिए, ताकि शाम को बैठा जा सके, लिखा जा सके। डीएम साहब, सर कोच आए बोल रहे हैं कि आप और लालू जी का जो अलायंस बना है वो आप सर वो अपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, अमित शाह बोल रहे हैं ध्यान नहीं देते, हमको कोई लेना देना नहीं। आपको पानी लालू जी को तेल बोल रहे थे, अरे इन लोग को रहने बता रहे सर, वो जो निरीक्षण भवन बना है नया उसमें कम से कम एक रूम प्रेस वालों के लिए हम लोग के लिए अलॉट कर दिए सर, मीडिया के लिए पत्रकार लोग चाहता है उसको भी वहाँ रहने का बैठक इंतजाम कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।